जौलीग्रांट एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए लगभग 10,000 पेड़ों को काटने की तैयारी की जा रही है, जिसका कुछ राजनीतिक संगठन द्वारा विरोध किया जा चुका है। आपको बता दें, यदि इतनी बड़ी मात्रा में हरे पेड़ों को काटा जाएगा तो ये पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है, ये कहा जा रहा है। इससे पहले भी आपको बता दें, एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए वनों के बड़े हिस्से को खत्म किया जा चुका है। जौलीग्रांट एयरपोर्ट विस्तारीकरण का मामला एक बार फिर से तोल पकड़ता नजर आ रहा है, जिसके चलते केंद्र सरकार को राज्य सरकार द्वारा 87 हेक्टेयर भूमि का प्रस्ताव भेजा गया है। अगर वास्तव में यह एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनता है तो कहीं ना कहीं यह एयरपोर्ट एक नए शोरूम में देखने को मिलेगा, जिसका जो फायदा है तो यहाँ आने वाले पर्यटक और सैलानियों को मिलेगा। कहीं ना कहीं जो 87 हेक्टेयर भूमि है, इस पर हरे वृक्ष भी खड़े हैं, जिसे लेकर कुछ राजनीतिक दल जो है वो विरोध करते भी नजर आ रहे हैं। ओमकार सिंह, R9 TV, उत्तराखंड।